हेलो टूऑल, स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे ब्रोकन बोन्स को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पूरी हड्डियों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई भी हड्डी एक जगह से टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और हड्डी को क्या जोड़ा जा सकता है? इसका आंसर है येस, हड्डी को आप जोड़ सकते हैं। बट उसको जोड़ने के लिए उसका एक हीलिंग प्रोसेस है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक बेटर ट्रीटमेंट, एक बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उस हड्डी को जोड़ सकते हैं। प्लास्टर लगने तक और प्लास्टर उतरने तक 1 मंथ आपको कहने की एक नॉर्मल पोजीशन पर रहना है, और एक नॉर्मल रूटीन आपको फॉलो करना है। नॉर्मली ये चीज़ 30 के बाद देखी जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर, पर्सन के अंदर ये कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी हड्डी को तोड़ देते हैं, या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी उनकी हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर की सलाह पर ही आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने प्लास्टर को फॉलो करके या अपने प्लास्टर को सही तरीके से अप्लाई करने के बाद आप अपनी हड्डी को ठीक कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीका फॉलो नहीं हुआ, देन आपकी हड्डी हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी और वो कभी भी सही नहीं हो पाएगी। डॉक्टर के पास आपको टाइमली जाना पड़ेगा ताकि वो आपके सभी चीज़ों को एनालाइज कर सके। 5 to 6 month आपको लेना पड़ेगा एक मिनिमम टाइम कि आपकी हड्डी अपने आप को हील कर सके। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने का काम करते हैं। तो अगर आप उसको हील करना चाहते हैं फास्ट तरीके से, तो एक राइट डॉक्टर को चूज़ करके, उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करके, और स्टेप बाय स्टेप उसको टाइमली उससे अपडेट लेने के बाद आप अपनी हड्डी को ठीक कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका मेडिकेशन या डॉक्टर आप गलत चूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस एरिया को प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं कर पाएगा, और वो अच्छे रिपोर्ट को फॉलो करने के बाद या आपके पूरी रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद भी, मेडिसिन देने के बाद भी वो चीज़ कभी भी क्योर नहीं हो पाएगी। अब ये जानते हैं कि एक इंसान को एक दिन के अंदर कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वुमेन की बात करें तो उसको पूरे दिन के अंदर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो अपने बोन डेंसिटी के इशू, और 30 के बाद 45 साल के बाद हर एक वुमेंस की कहने की ये इशू होता है कि वो अपने बोन्स की डेंसिटी को वीक कर लेती है। और अगर बात करें मेन की, तो 1000 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसको होती है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है उस काम के अंदर भी कहीं ना कहीं एक इंसान को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मिल्क एंड मिल्क से बने प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। मिल्क, बटर हो गया, दही, योगर्ट, चीज़ इज़ ए गुड सोर्स ऑफ बोन डेंसिटी, जो आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। और आपके बोन के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पूरे ऑर्गन से कंज्यूम करते हैं। अगर आपका पूरा ऑर्गन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से फ्लो कर पा रहा है, देन आप अपनी हड्डियों को ठीक कर पाएंगे। हड्डियों को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आप अगर आप नेचुरल सोर्स से भी कुछ डाइट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपके डाइट के अंदर होना चाहिए पनीर, आपके डाइट के अंदर होना चाहिए नट्स होनी चाहिए, ग्राउंड नट्स, या उसके अंदर आप बादाम ऐड कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड ऐड कर सकते हैं, शाई सीड ऐड कर सकते हैं, या फ्लैक्स सीड आप ऐड कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें नेचुरल सोर्स से आपको मिलती हैं। तिल का तेल भी आप ऐड कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो, बनाना, या ग्रेप्स, या पोमेग्रेनेट, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी बॉडी ग्रो करती है। और नेचुरल सोर्सेज के थ्रू लेने के बाद आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्रोकन बोन्स की प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ फल सब्जियों की, कि कौन कौन से ऐसी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं जिनको यूज़ आप कर सकते हैं या अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। पालक ऐड कर सकते हैं, केली, ओट मील, विटामिन डी इज़ फॉर द ऑब्जॉर्प्शन इन योर बॉडी। ये सभी चीज़ें रहेंगी आपकी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगी, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधा आपके बोन्स के अंदर काम करेंगे। इसीलिए हर एक इंसान को कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है कि वो कैल्शियम ले। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उन चीज़ों को लेने के बाद वो अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है। मैग्नीज को लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीज आपके बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, ग्रो करता है, और आपकी हाइट ग्रोथ में हेल्प करता है। बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे किड्स अपने यंग एज के अंदर अगर अपने कैल्शियम का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हाइट ग्रो होती है, और अगर उनकी हाइट ग्रो नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कैल्शियम की कमी है। उनकी हड्डियों के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, या उस लेवल तक वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पर ग्रो कर सकते हैं। सो एक राइट न्यूट्रिशन आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, और ब्रोकन बोन्स के अंदर भी और बहुत सारे वेरियस अलग तरीके डिजीज में भी काम करेगा, ताकि उन चीज़ों से आप फाइट कर सकें। क्योंकि पूरी बॉडी अगर आपकी हड्डियों के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको उनको स्टेबल करने के लिए या उनको स्ट्रांग करने के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा जिससे उनको अच्छी तरीके से पावर मिल सके।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप कौन सा साल्ट यूज़ करें। सिट्रिक साल्ट यानी कि सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हैं, और एक दिन के अंदर 50 ग्राम से ज़्यादा सोडियम आपको कंज्यूम नहीं करना है। और इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर ये कोलेस्ट्रॉल बबल्स बन के अगर आपकी बॉडी में ऐड होता जाता है, जो उसके बाद आपके उन पोर्स को ब्लॉक कर देता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन पास हो सके। अगर एक बारी ब्लड सर्कुलेशन पास होना बंद हो जाएगा तो सीधा आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकने के बाद हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, उनके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिनके बारे में आपको पूरी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी किस तरीके से हार्ट पेशेंट अपने आप को सिक्योर कर सकता है और 180 के लेवल तक पहुंचने से पहले ही खुद को सिक्योर फील करा सकता है। कुछ हैबिट्स, कुछ हेल्थी हैबिट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकेंगे। नाउ हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करके ब्रोकन बोन्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जिसमें से आप यूज़ कर सकते हैं मेंस का विटलाइज और वुमेंस यूज़ कर सकती है फॉरएवर का ही मेंस वुमेन विटलाइज, जिसको यूज़ करके आप अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बना सकते हैं। इसके साथ आप यूज़ कर पाएंगे फॉरएवर का कैल्शियम। फॉरएवर कैल्शियम मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूं। लाइट अल्ट्रा को आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिक सी। आर्टिक सी के साथ आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बी प्रोपोलिस भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बी प्रोपोलिस एक बहुत ही अच्छा सोर्स जो बी हनी बनाती है, जो बी बनाते हैं, और उनके थ्रू आपको वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप अपने इम्यूनिटी को और अपने ब्रोकन बोन्स को ठीक कर सकेंगे। वहाँ पे आपको एक ऐसा न्यूट्रिशन मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं आपके पूरे लेयर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाता है, ताकि पूरी बॉडी आपकी फाइट कर सके उन बैड बैक्टीरिया से जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप यूज़ कर पाएंगे विटलाइज मैन, एक्टिव HA, विटामिन C+, लाइट अल्ट्रा, आर्टिक सी, एंड इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर फॉरएवर डेली। फॉरएवर डेली आपकी बॉडी के अंदर सभी विटामिन एंड मिनरल्स को पूरा कर देगा, और उसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो कमी रहेगी, जिस जगह पे आपको पोषण या पेन हो रहा होगा, उस एरिया पे आपकी प्रॉपर तरीके से रिकवरी कर देगा। सो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अपनी पूरी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे, और 5 से 6 महीने के अंदर जो भी प्लास्टर आपका लगा उसकी स्पीडी रिकवरी होगी और आप उस बोन को ठीक कर सकेंगे दोबारा। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अभी हम एक बी प्रोपोलिस का गिव अवे कर रहे हैं, और वो गिव अवे 1 महीने तक एक्टिव रहेगा। 1 महीने का एक्टिव रहने के बाद हर किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी ताकि वो उसको जीत सके। सिंपल प्रोसेस है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है। सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस गिव अवे को जीतने के लिए। इस चैनल पर बने रहिए, और हो सके तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी टीम का शेयर करिए, ताकि हर एक पर्सन एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ले सके और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो पूरे इंडिया में काफ़ी फैल रही है इसको हम रोक सकें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।